इन दिनों मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों के आउटडोर में खांसी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर समुचित उपचार करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे बढ़ती मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। बसंत बहार के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। इन दिनों दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंड होती है। इससे आम जनता को सर्दी के जाने का एहसास होता है और इसके चलते खांसी, जुकाम, जोड़ों और गले के दर्द की चपेट में जनता आ जाती है, जिसके चलते अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। ओपीडी में इस सीजन में आते ही है सर्दी जुकाम खांसी के मरीज, उतने से ही है, कोई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हुए। इस दौरान ऐसी कोई भी घबराने की या डरने की बात नहीं है, पर इस मौसम में आते ही हैं और सबका आराम से सुधार भी अगले दो तीन दिन में हो रहा है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी थोड़े दिनों से सर्दी जुकाम बुखार खांसी के मरीज थोड़े से बढ़े हैं। हालांकि टेम्परेचर तो बढ़ गया है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन सर्दी अभी पूरी तरह गई नहीं है, तो वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उससे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जो है वो गर्मी की तरफ चले आते हैं। लेकिन उनको यही राय दी जाती है, हाँ, कि बच्चों में अभी जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी गर्मी नहीं आई है, सर्दी है, और उसी हिसाब से बच्चों को जो है वो कपड़े पहना के रखें, ठंडक से बचा के रखें और गर्म चीज़ें खाने को दें और थोड़ा उनका ठंडक के हिसाब से ध्यान रखें। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गाइडलाइन जारी कर समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी आम जनता को खास ख्याल रखने की जरूरत है, विशेषकर बच्चों को, जिन्हें इन दिनों जाती हुई सर्दी से बचाव की विशेष जरूरत है। साथ ही बदलते मौसम में खानपान में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी यदि कोई मौसमी बीमारियों की चपेट में आता है तो उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। देखो, जब जो सर्दी एकदम खत्म होने लगती है, मौसम चेंज होता है, या ऑल ऑफ सडन आदमी बिल्कुल बेफिक्र सर्दी जारी हो और ठंड का बचाव की सोचता नहीं है, तो ऐसे में अक्सर सर्दी लगने की वजह से जुकाम, खांसी, गले में दर्द या थोड़ा हल्का बुखार, ऐसा इस सीजन में कई बार लोगों को मिलता है और ऐसा इस मौसम के परिवर्तन की वजह से भी हो जाया करता है अक्सर, और यही एक तकलीफ है जो कि इन दिनों में थोड़ा लोगों को हो सकती है, और इसके लिए पूरा बचाव करेंगे तो शायद अच्छे से कंट्रोल भी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बचाव भी हो जाएगा। बच्चों की केयर तो इस तरह करनी चाहिए कि एक तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अभी भी सुबह शाम या दिन में उसके उस सर्दी के हिसाब से कपड़े पहनाएं और उसको ठंडी चीज़ें नहीं खाने दें, ठंडक से बचाएं, और यदि इनको सर्दी जुकाम बुखार या कुछ भी होता है तो तुरंत जो है वो डॉक्टर से संपर्क करें और उसके साथ उचित उसका इलाज करें। बदलते मौसम के साथ ही खांसी जुकाम सहित मौसमी बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से भी सभी पीएससी सीएससी केंद्रों पर तमाम सुविधाएं शुरू कर दी गई है। वहीं आम जनता को भी बदलते मौसम के साथ में अपने सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश ओला A1 TV।